नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिवा मम्मी किचन में। आज हमने आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ, नुन्नी के साग के पकौड़े। आइए हम देखते हैं सामग्री। हमने नुन्नी के साग लिए हैं 250 ग्राम के करीब। इसको हम धोकर साफ करके ले लिए हैं। इसको हम 5-6 पानी से धोकर साफ करके लिए हैं। चलिए, हम हरी मिर्च हमने लिए हैं 4, उसको हमने काट कर ले लिए हैं। आधी छोटी इंच अदरक का लिया है, उसको हमने कद्दूकस करके ले लिए हैं। इन सभी को हम ले लेंगे। हमने बेसन लिए हैं करीब 100 ग्राम के करीब। हमने बेसन लिए हैं 1/2 छोटा चम्मच। हम हल्दी पाउडर लेंगे 1/2 छोटा चम्मच। मिर्च पाउडर आप तीखे के अनुसार ले सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक, चौथाई चम्मच। हमने अजवाइन और कलौंजी लिए हैं। दोनों को हम हाथों से क्रश करके ले लेंगे, इसे टेस्ट आते हैं। इस तरह से रगड़ कर डालने से टेस्ट आते हैं, इसीलिए इसी तरह से अजवाइन और कलौंजी को क्रश कर कर ही लें। अब इन सभी को हम मिक्स कर लेते हैं। इसके पकौड़े बहुत ही टेस्टी होते हैं दोस्तों। नुन्नी के साग का ज़रूरत पड़े आप हल्की पानी ले सकते हैं। हम 1 बड़े चम्मच पानी लिए हैं, 1 बड़े चम्मच के करीब हल्की सी उसमें लेकर हम मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से मसलते हुए देखिए, हमने मिक्स कर मसल कर ले लिए हैं। इसको हम एक प्लेट लेंगे, 10 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं। चलिए, तब तक हम कढ़ाई ले लेते हैं। कढ़ाई को हाई फ्लेम पर गरम करने के लिए रख देते हैं। जब ये गरम हो जाए उसमें हम सरसों का ऑयल लेंगे। सरसों के ऑयल में ही पकौड़े बहुत टेस्टी लगते हैं। चलिए, हम अपने वो नुन्नी के साग का जो मिश्रण हमने जो तैयार किया था वो हम देखिए ले लिए हैं। 10 मिनट हो गए हैं। देखिए, हम छोटी सी कटोरी में पानी लिए हैं। पानी में हाथ डिप करते हुए हम पकौड़े को छानेंगे। चलिए, हम चेक कर लेते हैं तेल। देखिए, तेल गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें एक एक कर सारे पकौड़ियों को हम छान लेंगे। इसके पकौड़े बहुत ही टेस्टी होते हैं दोस्तों। अब हम पकौड़ियों को पलट लेते हैं। देखिए, ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बाकियों को हम इसी तरह से तल लेंगे। मेरी रेसिपी अच्छी लगे दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में बताएं मेरी रेसिपी कैसी लगी। लाइक से सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल पे, आप नए हैं तो। इसी तरह से हम पकौड़ियों को उलटते पलटते इसको हम तल लेंगे। देखिए, ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। मेरी रेसिपी अच्छी लगे दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, ऐसे मेरे आने वाली रेसिपी की गर्मा गर्म पकौड़े गर्मा गर्म चाय के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरी रेसिपी अच्छी लगे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें।